ठीक है, अलग अलग फिलॉसफी है। मान लो कल के दिन मैं निपट जाऊँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो मान लो क्या होता है, आत्मा कहे जो पुनर्जन्म का चक्र है, मैंने थोड़ा समझने का प्रयास किया बहुत सारे लोगों से या फिर बुक से, तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली है, साझा करता हूँ, कहाँ तक सही है मुझे भी नहीं पता, मरने के बाद थोड़ा सा फिर ऑब्जर्व करेंगे क्या होता है, अभी तो नहीं पता। तो ये माना जाता है कि कई ग्रंथों में पढ़ने के बाद, मैं वेदों के उपनिषदों का भी जैसे उपनिषद पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर भी फिलॉसफी दी गई है कि आफ्टर डेथ लाइफ क्या है, मरने के बाद आपका क्या होता है। ठीक है, तो उसमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जब व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, तो हमारे अंदर की जो प्राण वायु है, आमतौर पे मरने के समय दर्द होता है थोड़ा, मरने के समय कभी आप मरते हुए व्यक्ति को देखा है किसी ने, कोई मर रहा हो वो तड़पता है, वो तड़प किस चीज़ की होती है, देखो हमारे शरीर में पूरे बॉडी में प्राण वायु फैली हुई है, हर जगह ऑक्सीजन है कि नहीं है, और ऑक्सीजन खत्म हो जाना इस शरीर से, जो हम सांस ले रहे हैं यही खत्म हो जाना, मृत्यु है। तो क्या होता है कि वो पूरी प्राण वायु एक जगह इकट्ठा होती है और वो निकलने का प्रयास करती है, ठीक है, पूरी प्राणवायु मरने के दौरान पूरी एक जगह इकट्ठा होगी और निकलने का प्रयास करती है। गीता में तो यही कहा गया है कि ये क्या है, एक वस्त्र की तरह है, हमारी आत्मा ने एक वस्त्र धारण कर रखा है जिसे बोलते हैं नयनम छिद्दंती सहस्त्राणी नयनम दहाति पावका न चयनम क्ले दयंते आपो ना सोसति मारता, है ना। तो गीता कहती है कि ना तो इसको सुखाया जा सकता, ना तो इसे जलाया जा सकता, ना तो इसे शस्त्र मार सकते, है ना, ये एक ऐसी चीज़ है, आत्मा की बात कही गई है, जो आत्मा हमारे अंदर निवास करती है, ये जानकारी मिलती है वहाँ से। तो कहते हैं जो प्राणवायु होती है वो एक जगह इकट्ठा होती है और अचानक से फिर छूट जाती है, तो जब व्यक्ति एक जगह इकट्ठा होती है और इसको फिर छूट गई तो आदमी तड़पता है, उस समय तड़प होती है, और कुछ समय बाद चारों तरफ लोग इकट्ठा होते हैं, वो उस समय व्यक्ति के पास, कहते हैं कि जहाँ तक हिंदू फिलॉसफी में कहा गया कि उस समय ईश्वर का नाम नहीं आता व्यक्ति के मुँह में, वो मोह माया में वो उलझ जाता है, भयभीत हो जाता है, क्या हो रहा है मेरे साथ, उसे दिखने लग जाता है कि अब मैं जाने वाला हूँ, और वो बुलाना चालू करता है अपने पोते नाती, उसका मुँह देख लो, तभी कहते हैं ना तुरंत जब कोई बीमार बीमार हो जाता है घर का बड़ा बुजुर्ग तो सब जाते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा होती है, अंतिम इच्छा होती है कि मैं अपने नाती को भी देख लूँ, पोता को भी देख लूँ, सबको देखने की इच्छा होती है, कुछ ही होते हैं जो राम नाम कह के निकल जाते हैं, तो तुलसी वगैरह वो सब कुछ धार्मिक चीज़ें वो होती हैं जो अलग बात है, उसको नहीं ले जाते। तो जब आत्मा कहते हैं निकलती है, फाइनली निकलने के कई तरीके हैं, वही जहाँ से छिद्र है हमारे आँखों से निकल सकती है, नाकों से निकल सकती है ना, हमारे मुँह से निकल सकती है, तो जहाँ से निकलती है आत्मा, ठीक है, निकलने के बाद आम तौर पर देखो क्या होता है, बॉडी डेड हो गई, लोग रोना चालू चारों तरफ, आप सब लोग है ना, मेरा परिवार है, आप ही लोग हो तो रोना चालू कर दिए, सर चले गए, अरे बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, अरे हिस्ट्री तो बढ़िया पढ़ाते थे, वर्ल्ड हिस्ट्री देखो यहाँ तक बची थी, कोई कहेगा शीत युद्ध बचा हुआ था, अरे सर बौद्धिज्म तो पढ़ा गए, जैनिज्म रह गया हमारा, ऐसे करके रोना पीटना आप चालू कर दोगे, जुबैर जिए कहेंगे सर इथिक्स तो पढ़ा देते फिर चले जाते, तो आप लोग रोना पीटना चालू करोगे, ठीक है, इसके बाद मेरे घर वाले आएंगे वो भी चारों तरफ बैठ जाएंगे, उनका भी चालू हो जाएगा, तो क्या होगा आफ्टर डेथ। उसके बाद कहते हैं कि जो आपका शरीर होता है उसको मोह होता है इस शरीर में, मैं आप लोगों को ऊपर से देख रहा होऊंगा, जैसे कि मेरी आत्मा यहाँ से निकलती है, मेरी प्राणवायु बाहर निकलती है, तो निकलने के बाद मैं आप सबको देख रहा होऊंगा, मेरा शरीर देखो अभी क्या है, ये है स्थूल शरीर जो आप मेरा देख पा रहे हो, शरीर तीन प्रकार का होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर होता है। अब ये कहोगे कि ये कहाँ क्या है, ठीक है, जब पढ़ोगे फिलॉसफीज पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा, ये शरीर सूक्ष्म शरीर एक होता है जो शरीर आपको दिखाई नहीं देता, ईथर का नाम सुना होगा आपने, ईथर ब्रह्मांड में हर जगह उपलब्ध है, एक सेकंड ईथर मतलब होता है ना कि एक सेकंड में आप कहीं भी, सपनों में होता है ना कि यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में चले गए, उस समय आपका वही शरीर काम करता है सपने की अवस्था में, सपने की अवस्था में आपका स्थूल शरीर तो यहाँ पड़ा रहता है, लेकिन जो आपकी चेतना होती है, जो सूक्ष्म शरीर होता है वो गति करता है, तभी आप देते हो सेकंडों में आप कहीं चले जाते हो, एक सेकंड में आप अमेरिका में रह रहे हो बढ़िया अच्छा खासा, है ना, एक सेकंड में आप अपने गांव पहुंच गए, एक सेकंड में, आमतौर पर सपने में हम उन्हीं जगहों पर ज़्यादा जाते हैं जो हमने देखी होती है ना, हमारी याददाश्त ही होती है जो अवचेतन मस्तिष्क में छुपी होती है। तो कहते हैं कि शरीर बिल्कुल हल्का होता है,
उस अवस्था में ये स्थूल सूक्ष्म शरीर, अब सूक्ष्म शरीर का नाम लूंगा तो समझिएगा, सूक्ष्म शरीर बाहर निकल चुका है, वो चाहे तो एक सेकंड में इस दीवार को भेद करके निकल जाए, उसमें इतनी गति होती है, वो दीवार क्रॉस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, हमें बड़ा हल्का महसूस होता है। आप तो रो रहे होगे नीचे, क्योंकि आपको स्थूल शरीर से प्यार था, वो हल्का महसूस कर, उसको लग रहा था अरे अब तो और बढ़िया हो गया, वो गति कर सकता, स्वच्छंद गति कर सकता, आसमान जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन फिर भी उसे मोह रहता है, मोह इस शरीर से, और वो देख रहा होता है मेरे बच्चे रो रहे हैं, सब माँ बाप रो रहे हैं, स्टूडेंट रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, तो वो क्या करता है, घुसने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से मैं इस स्थूल शरीर में घुस जाऊँ तो शायद ये रोना बंद कर दें, लेकिन उसकी वो पावर ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है। वो कई प्रयास करता है, सोचता है अंदर चला जाऊँ, ये आदमी फिर जिंदा हो जाए, ये रोना बंद कर दें, हर प्रयास में असफल साबित होता है, जैसे इसके अंदर जाता है आर पार हो जाता है, और फाइनली वो फिर पकड़ के समझाना शुरू करता है, हो सकता है जैसे मेरा सूक्ष्म शरीर ऊपर तैर रहा है, स्थूल के आसपास बैठे हो तो मैं सबको पकड़ना चालू किया, अरे रो मत, कोई नहीं, मतलब बहुत बढ़िया हो गया, मस्त हो गया लाइफ, इधर तो बहुत बढ़िया है, एक सेकंड अब एरोप्लेन का टिकट भी नहीं लेना पड़ेगा, अब तो आराम से हवा में घूमेंगे, ऐसे करके समझाना, लेकिन आप सुन नहीं सकते, आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आप स्थूल शरीर में हो, मैं सूक्ष्म शरीर में हूँ, दोनों का फॉर्मेशन अलग है, आप मेरी किसी बात को नहीं समझोगे। फिर फाइनली वही होता है कि कभी बुआ आ जाती हैं, उनको देख के मम्मी और तेज से रोना चालू है ना, फिर थोड़े थोड़े वो जो रिश्तेदार थोड़े थोड़े करके आते हैं, अचानक लगता क्या हो गया, फिर से चालू वो होता है, आप देखते हो आमतौर पर, और एक एक नई नई खूबियाँ निकालनी चालू, अरे बड़ा प्यारा बच्चा था, बड़ा शांत था, बड़ा बोला था, आईएएस बनना चाहता था, बड़े लक्ष्य थे, भारत दर्शन करना चाहता था, अरे इसके अभी मास्टर वीडियो पूरे नहीं हुए थे इससे पहले ही चला, ऐसे करके सब रो रहे हैं, कभी बुआ आके रो रही, कभी सिस्टर रो रही है, कभी ऐसे चल रहा था, अचानक चला गया, कल दिन कल तक तो अच्छा था, कल रात में फ़ोन किया था, बात किया था, ऐसे करके खब खूब बढ़िया चल रहा। अब मैं बार बार ऊपर से सोच रहा हूँ कि अरे क्या हो रहा है, क्यों ये लोग रो रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मैं इन्हें समझा रहा हूँ तो भी नहीं समझ पा रहे, फिर मुझे लगता है कि मैं किस तरह से अंदर जाऊँ, उस बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाऊँ, लेकिन मैं प्रवेश नहीं कर पाता। फाइनली मेरी अर्थी तैयार की जाती है, उसमें लेटाया जाता है, बढ़िया पूजा हवन नहा के, बढ़िया कहते कुर्ता पैजामा इसे बड़ा पसंद था, पहना देते हैं नए कपड़े, पहना वहना के बढ़िया, चंदा चौर पंडित आते हैं और उसके बाद ले जाते हैं। जब फाइनली ले जाते हैं तो उसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ, उसी के ऊपर जब तक जब निकलती ना अर्थी, राम नाम सत्य है चालू हो गया, ऊपर मैं भी जा रहा हूँ उसके, और जाने के बाद वही शमशान ले जाते हैं, वहाँ भी खूब कोशिश करता हूँ, रो मत, और इसके बाद हमारी जीवात्मा जो हमारे जीव से निकली हुई है वो फाइनली वहाँ पर पूरा प्रयास करने का कोशिश करती है, और मना भी करती है कि इसको जलाओ मत, इसे दफनाओ मत, मैं प्रवेश कोशिश करता हूँ, लेकिन फाइनली इस शरीर को अंत, इसीलिए इस शरीर का अंत किया जाता है ताकि वो जीवात्मा को शांति मिल जाए, ये शरीर चला जाए तो वो भी चली जाए, लेकिन वो मानता नहीं है, अभी भी घर वाले रो रहे होते हैं, घर में सुखनुमा माहौल नहीं होता, उसे अच्छा नहीं लगता, तभी कहते रो मत, उसको भी दर्द होगा, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं कि रो मत, वो भी दर्द होगा, उसको भी शांति नहीं मिलेगी, आत्मा को वो भी परेशान होगा, आप रो जितना रोगे वो भी रोएगा। तो फाइनली ये होता है कि वो लौटना चालू करता है, वो कई बार जाता है और कई बार लौटना चालू करता है, फिर आता है शमशान में, फिर देखता है मेरी बॉडी तो नहीं है, जल के चली गई, मैं कैसे अंदर जाऊँ, फिर अपने घर जाता है, फिर घर जाके सबको देखता है, फिर शमशान जाता है कि मेरी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, फिर वहाँ देखता है कुछ नहीं है, एक साल दो साल वो यही करता है, तभी शमशान वगैरह में कहते हैं ना कि कभी भी गड़बड़ हो सकती है, वहाँ पे कोई भी मिल सकता है, ठीक है, कोई भी पता चला। तो ओवरऑल क्या है, फाइनली ये प्रक्रिया चलती है काफ़ी लंबी, दो साल तो कम से कम लग जाते हैं उसको। अब ये भी उसके ऊपर है कि वो प्रवृत्ति कैसा है, मान लो कोई मदिरा पीना बड़ा पसंद करता है, ठीक है, तो आप देखते हैं ना शराब खाने के बाहर भी ऐसे होता है कि भूत लगते हैं, पता चला आप वहाँ पहुँचे आपके ऊपर कोई चढ़ गया, बोले चल अंदर वो जो चले जाते हैं ना अंदर खींचे हुए कि बस देख के ही खुश हो जाते हैं, वो कोई अंदर गया, वो अपनी इच्छा पूर्ति आपके माध्यम से कराएगा, वो वहाँ लगने लगा, भाई कोई मध्य थराबी है, मध्यसारी का आदमी है जो रात दिन पीता है, वेश्यालयों के अंदर लगने लग जाते हैं, कोई कामी पुरुष है
ठीक है, वेश्यालयों के बाहर देखते हैं भीड़ और मजमा लगा होता है, यहाँ पे सकारात्मकता नहीं होती है, नकारात्मकता होती है। कभी शराब खाने के अड्डों गर्म जाइएगा, बड़ा निगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी नकारात्मक जिन प्रवृत्तियों आपके कर्म जैसे होंगे, उन्हीं कर्मों की तरफ आप आकर्षित होते रहते हैं। फिर फाइनली कहते हैं कि स्टेज ऐसी आती है जिसमें आपको, जिसको स्वर्ग नरक की परिकल्पना आप कहते हो, उस स्टेज में क्या होता है? उस स्टेज में ये होता है कि जैसे आज आप काम कर रहे हो, अब आपके देखो कर्म समझा रहा हूँ आपको, चूँकि कर्मवाद विषय आया तो मेरा फर्ज बनता है कि जो बातें मुझे पता है मैं आपको बताऊँ। कर्मवाद में क्या होता है कि जैसे आज कोई काम ऐसा है, जब आप करते हो तो करते समय आपकी आत्मा रोकती है कि ये गलत है, आप उसको नकार देते हो, मना कर देते हो और आप उसे जानबूझ के करते हो। एक बार आपके अंदर से कोई ना कोई एक आवाज़ आती है जो आपको बोलती है कि आप इस काम को करो या ना करो, होता कि नहीं होता? सहमति देती है कि नहीं देती है? कहते हैं इसका हिसाब किताब होता है, इसका हिसाब किताब होता है वहाँ पे, ये हिसाब किताब, वो आत्मा उतना भी हिसाब किताब लेगी, वही है स्वर्ग नरक की स्टेज। फिर कहते हैं बॉडी कुछ समय के लिए रिलैक्स करती है ताकि वो अगले जन्म के लिए तैयार हो सके। यदि आपके अच्छे चरित्र हैं, हाव भाव ठीक हैं, तो आप दोबारा जीवन नहीं प्राप्त करते, पुनर्जन्म की अवस्था में नहीं आते हैं। और यदि आपके, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको, कभी देखिएगा, 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, उसमें आपको होल लाइफ दिखाएगा। एक बकायदा पहले मेडिटेशन से चालू करेगा और मेडिटेशन से आपको पूरी होल लाइफ दिखाएगा। फिर मैं एक पुस्तक भी आप लोगों को दूंगा, उस पुस्तक में काफ़ी पेज पन्ने हैं जिसमें पूरी जो आपको कहानी है, उसमें पूरा रेफरेंस भी है कि कहाँ से चीज़ें निकल के आई। इस पर वैज्ञानिक शोध भी हो चुके हैं बहुत सारे कि हमारे बॉडी के अंदर तो कुछ तो है। फिर वो क्या करती है, आत्मा कुछ समय के लिए रेस्ट में जाती है ताकि अगले जन्म के लिए तैयार हो जाए। और फाइनली जब वो देखती है कि हाँ रेस्ट प्रॉपर हो चुका है, पुरानी याददाश्तें धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी हैं, फिर वो नए गर्भ की खोज करती है, देखती है किस गर्भ में मुझे प्रवेश करना है। और ये सब कुछ ऊपर से तय किया जाता है कि कहाँ पे भेजना है इसको, कहाँ नहीं भेजना है। और नए गर्भ में प्रवेश करने के बाद जो है फाइनली फिर आप इस धरती पे आ जाते हो। ये है पुनर्जन्म की पूरी गाथा, ठीक है, ये पूरी पुनर्जन्म की गाथा है। तो ऐसे करके पूरा आपका जीवन चक्र चलता रहता है, आप पैदा होते हैं, जीवन इसी में बिता देते हैं। अब अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या हैं, इसमें बड़ा आसान मैं एक आपको मीनिंग बताता हूँ जो सभी धर्मों का सार है। सभी धर्म ये कहते हैं यदि आप सिर्फ अपने लिए ही जिंदा रहते हैं तो आप बुरे अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं। अच्छे कर्म का मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी से दूसरे का जीवन संवर जाए, इसे बोलते हैं अच्छे कर्म। आप कुछ ऐसा कर जाओ जिससे सामने वाले की ज़िंदगी प्रभावित हो जाए, सामने वाले के जीवन में उजाला भर जाए, ये है अच्छे कर्म। सभी धर्मों में कहा गया है, चाहे इस्लाम में जकात की बात रही हो, चाहे जितने भी टैक्स हैं कर दिए जाते थे लोगों का, धार्मिक कर होता था जो आपको देना ही देना है, जो कि मानवीय कल्याण पर लगता था। चाहे हिंदू धर्म में भी आपका देखते हैं खूब दान दया किया जाता है, परोपकार किया जाता है। इसके अलावा सोशल वर्क, समाज कार्य की अवधारणा यही है कि सामने वाले के लिए, यानी सिर्फ आप अपने लिए जिंदा रहे पूरी ज़िंदगी भर तो आप अच्छे कर्म करके नहीं मरते हो। आपकी अपनी आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही तो अगले जन्म में फिर पूरा करोगे, और यदि आप इसी जन्म में अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सक पाए और दूसरों के लिए, आदमी दूसरों के लिए कब करता है, जब उसकी अपनी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब करता है, कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं करता। बुद्धा ने दूसरों के लिए तब किया जब उनकी आवश्यकताएं पूरी हो गई, महावीर ने तब किया जब उनकी खुद की आवश्यकताएं पूरी हो गई, तब व्यक्ति समाज कल्याण में निकलता है, तब वो समाज की समस्या का निजात करने के लिए निकलता है, समझ रहे हैं? तो यदि अच्छे कर्म की परिभाषा की जाए तो कुछ ऐसे परिभाषित की गई हमारे सभी धर्मों में, जब आप दूसरे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ले आए तो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो फाइनली ओवरऑल देखा जाए तो ये कर्म और जन्म का बंधन ये हमारे साथ हो सकता है पिछले जन्म में। अब जैसे आज सब आप लोग बैठे हो सकता है कि कुछ ऐसा सौभाग्य रहा हो कि पिछले जन्म में हम सब एक साथ रहे हों, इस जन्म में फिर एक साथ हो गए। ये भी सबको, ये भी होते हैं, ये पुनर्जन्म के बंधन जोड़ के भी रखते हैं आपस में। यहाँ तक कहते हैं कि माँ बाप जो सात जन्मों का रिश्ता है या माँ बाप का बंधन है, ये सब जुड़ा होता है। जो विष्णु के 10 अवतार है, 10 अवतार ये नहीं दिखाते कि विष्णु ऐसे, वो तो ये दिखाते हैं कि आप एक व्यक्ति हर जन्म में मानव कल्याण के लिए उतर रहा है। देखा जाए तो हर व्यक्ति में एक अवतारी पुरुष हो सकता है, हर व्यक्ति में, लेकिन यदि वो आत्मकल्याण कर ले तब।
हर व्यक्ति या कोई भी ईश्वर साधारण पुरुष के रूप में ही जन्मा, लेकिन उसने अपने आप को समझा और अपने आप को ईश्वर बना दिया। ईश्वर कर्मों से बनते हैं हम, है ना। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो मैंने आपको बताया, मनुष्य एक भटका हुआ देवता, कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। उसको यदि आप समझ लें, उसमें लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें बताए ना, हम मानवीय आदमी माया के मुँह में फंसे हुए हैं, है ना, हमें कहाँ समझ में आएंगी। तो ये सब स्पिरिचुअलिटी में आ जाती हैं चीज़ें। आगे बढ़ते हैं यूपीएससी के सिलेबस की तरफ। हाँ, अस्थि विसर्जन का ये संबंध है कि उस व्यक्ति के जितने भी जो भी ढांचा बचा, जो अवशेष बचे, उसको जा करके आप उनको भी डाल दीजिए। मतलब उसके शरीर का एक एक छोटा सा छोटा भी कण है, उसको भी जा करके डाल दीजिए। बिल्कुल वही शांति बिल्कुल मिलती है। गंगा में डालते हैं, पहुँचाते हैं, ताकि उस व्यक्ति का कोई छोटा सा टुकड़ा भी ना बच जाए। उस टुकड़े को भी जा करके आप उसको समर्पित कर दें। किसके अंतर्गत? देखो, हर दर्शन में अलग अलग मृत्यु के बाद सावधान की प्रक्रिया है। हिंदू दर्शन में यह है कि जला देते हैं, इस्लाम में है कि दफना देते हैं। सबकी अपनी अपनी सावधान की प्रक्रिया है, और सब सही है, सब गलत है। सब सही है ना, सबको समझना चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्म और आत्मा के गमन में थे, कहाँ तक हो गया? पुनर्जन्म। एक व्यक्ति विभिन्न जन्मों में अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। एक व्यक्ति विभिन्न जन्मों में अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। यदि मैं सिंपल आसान भाषा में कहूँ तो एक कर्म की कहानी भी सुना दूँ, कर्मों के अनुसार फल कैसे मिलते हैं। सुनाऊँ? कहो आप लोग, देखो आप लोग कहोगे तो थोड़ा सब चूँकि चल ही रहा है टॉपिक। देखो क्या हुआ, एक बार भीष्म पितामह के बारे में जाना होगा आपने। भीष्म पितामह जब डेथ कर गया, आपको पता है भीष्म पितामह कौन थे? दिस इज अ पर्सन, किसका पुत्र है? गंगा का पुत्र है। गंगा और शांतनु दोनों की शादी होती है, विवाह होता है, और गंगा ने कहा था कि आप कभी मुझसे क्वेश्चनेबल नहीं बनाएंगे, मुझसे प्रश्न नहीं पूछेंगे कि मैं अपने पुत्रों का क्या करती हूँ। जब शांतनु और गंगा से पुत्र पैदा होते थे तो गंगा उनको जाकर गंगा में ही, लेकिन जो उनका नवा पुत्र हुआ भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह को फाइनली क्वेश्चन मार्क कर दिया। शांतनु भी परेशान हो चुके थे कि क्या होता है, मेरे पुत्र आते हैं और चले जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन किया, भीष्म पितामह को शांतनु की गोद पे छोड़कर गंगा चली गई फाइनली। तो भीष्म पितामह एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के अनुसार पूरा जीवन जीता है, जो राज धर्म में अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर देता है। तो जब भीष्म पितामह की डेथ हुई, मरे तो बाणों की सैया में पड़े हुए थे, बाणों में छेद दिया गया। इतनी सबसे विकराल मृत्यु यदि किसी ने महाभारत में पाई तो भीष्म पितामह ने पाई। जो व्यक्ति 11 दिनों तक छेदा हुआ पड़ा हुआ है, अपने आंखों के सामने डेली खबर सुनता है कि आज कर्ण खत्म हो चुके हैं, आज द्रोणाचार्य खत्म हो चुके हैं, सिर्फ सुन रहा है, महाभारत के अंतिम दिन की उनका प्राणावान होता है, बस पड़ा हुआ है। तो भगवान कृष्ण जब उनके पास पहुंचे तो बोला, प्रभु मैं अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे पता है कि मैंने कभी बेधर्म और अधर्म से अपनी ज़िंदगी नहीं जी, मेरे कर्म बहुत अच्छे थे। मैंने अपने पिछले 100 साल के जीवन को भी देखा, वहाँ पर भी कहने मैंने कोई अधर्म नहीं किया, तो मेरे साथ और मेरी मृत्यु इतनी गंदी कैसे हो गई, इसका क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो फाइनली अब इसमें बहुत सारी कथाएँ हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी कथाएं हैं। एक सर्प की कहानी आती है और एक कीड़ा है, एक कीड़ा के बारे में आप लोग सुना होगा, जिसमें 6 बूंद होते हैं, 6 तरीके से वो घर पे निकलता है, उसको 6 बुंदुआ बोलते हैं हम लोग। 6 बुंदुआ देखा किसी ने? एक कीड़ा होता है, बड़ा कीड़ा, उसे आमतौर पर मार ही देते हैं, वो विषैला होता है, यदि आपको काट ले तो कहते हैं कि काटने के बाद वो सीधा आपको, है ना। तो वो कीड़े में ऊपर जो है 6 बिंदु होते हैं, कभी किसी ना किसी दिन घर पे आपके निकलेगा, हो सकता है आप लोग कुछ और नाम देते हो। उसमें चूंकि 6 बिंदु होते हैं, उसे 6 बुंदुआ बोलते हैं। देखा किसी ने? क्यों अखिलेश जी? 6 बुंदुआ बोलते हैं उसे हमारे तरफ में, अब बाकी आपके तरफ में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो कृष्ण ने कहा कि देखो बात सही है, 100 साल तक तो आपने देख लिया, मैं आपको आपका 101वां साल दिखाता हूँ। तो जब कृष्ण ने उनको 101वां साल दिखाया, उसको देख के भीष्म पितामह चकित रह गए और समझ में आ गया कि आज मेरी अवस्था क्यों है। एक चीज़ ये दिखाई गई कि उन्होंने उस जन्म में एक काम किया, एक सर्प को मारा
और वो अधकुचले सर्प को मारने के बाद फेंक दिया और जाने के बाद वो सर्प जो बबूल का पेड़ था जिसमें खूब काटे थे उनमें जाकर के झूल गया और 13 दिन तक झूलता रहा, प्यास में पिटता रहा और फिर मरा जाके पूरा शरीर छेद गया था उसका। आज वही मृत्यु कह रहा तुम पा रहे हो। ऐसे ही छबुंदुआ में कहते हैं कि उन्होंने क्या किया था कि खेल खेल में, एक बच्चा होता ना खेल खेलता है, खेल खेल में उसके 6 जगहों पर कांटों को चुभो करके उसको उल्टा लटका दिया, उल्टा करके टाक दिया। वो तड़पता रहा, पैर हिलाता रहा, किस तरह से पलट जाऊँ, और 13 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई। बोला ये है तुम्हारे कर्मों का फल। तो कर्मों का फल इस स्तर तक का मिल सकता है? माँ बाप कहते हैं कि मेरा पुत्र अच्छा नहीं निकला, तो आपके कर्मों का फल है आपका पुत्र। आज आपका पुत्र जुआरी बन गया, आपका पुत्र शराबी बन गया, आपका पुत्र जो भी बन गया, इसमें आपका पूरा रोल है, माँ बाप का रोल है। नहीं नहीं, यहाँ तक मत जाइए। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ये आप सौभाग्यशाली हैं। इससे बड़ा सौभाग्य आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्ञान का जितना विकट और जितना शुद्ध एनालिसिस इंडिया में UPSC की तैयारी में किसी और यूनिवर्सिटी और किसी कॉलेज में नहीं है, वो आपको नहीं दे पाएगा। चाहे आप IIT कर लीजिए, वो आपको ये सब चीज़ें नहीं सिखा पाएगा, ना आपको संवेदनशील पुरुष व्यक्ति बना पाएगा और ना आपको समाज की समस्याएं सिखा पाएगा। वो आपको ज़रूर साइन थीटा कॉस थीटा सिखा देगा, लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाएगा। इसलिए UPSC को दोषारोपण मत दीजिए, उसमें अपने माँ बाप को आप कहिए कि बड़ा सौभाग्यशाली कि हमें पढ़ने को मिल रहा है। नहीं, कितने बच्चे तड़प रहे हैं, नहीं मिलता शिक्षा का मौका, नहीं मिलता उन्हें, ठीक है। तो ये कहानी होती है, ऐसे कर्मों का फल मिलता है। ऐसा ही जैनिज्म में कहा गया कि आपके कर्म आज आप गलत कर रहे हो तो आपको अगले जन्म में अच्छा नहीं मिलेगा। यदि आप किसी आज पीड़ा दे रहे हो तो अगले जन्म में आपको भी उसी तरीके से पीड़ित किया जाएगा। हाँ जी बताइए। एक का दसों का फल भी मिलेगा, दसों का फल मिलेगा। गंगा के पुत्र बने, ब्रह्म आज जाना जाता, भीष्म पितामह, भीष्म प्रतिज्ञा है ना, आज उनका नाम है, यश है, सब कुछ है, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक गलती करेंगे तो उसे बच नहीं पाएंगे। लेकिन अब वर्तमान संदर्भ में तो कहते हैं स्वर्ग नरक यही है, सब भोग के जाते हैं, ये भी कहते हैं, सब बाहर कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं, कौन है जो कहते हैं चवार के जैसे लोग, कहते हैं बाहर की ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, हमने देखा ही नहीं है ना, तो चवार की हम लोग कुछ समय के लिए बन गए हैं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ाई की बात करेंगे। कोई दर्शन नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, कोई कहानी नहीं, आज के लिए कोटा फुल। नेक्स्ट, कहाँ पे हैं? हाँ, अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, ठीक है। जन्म का चक्र और पुनर्जन्म कर्म से तय होते हैं। जन्म का चक्र और पुनर्जन्म कर्म से तय होते हैं। जन्म का चक्र और पुनर्जन्म कर्म से तय होते हैं। इस प्रकार इस चक्र से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, इस प्रकार इस चक्र से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निर्वाण या कैबल्य प्राप्त करने के लिए सही कर्म करना चाहिए। तो कर्म अच्छे करो, ठीक है, फल अच्छा मिलेगा। गीता में यही कहा गया, गीता सिर्फ पूरी किस्तक का एक ही सार है, कर्मांडे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हे तुर्भु, है ना। तो आपको अपने अच्छे कर्म करना है, कर्म करने पर ही तेरा अधिकार है, फल पे नहीं। फल देने का अधिकार UPSC का है और PCS का है, तो आप उसको उसका काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, शिद्दत से मेहनत कीजिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पर मत जाइए, मायने ये नहीं रखता कि आप हिंदी मीडियम से हो कि इंग्लिश मीडियम। मैंने एक पोस्ट भी किया था इस बात को लेकर के, बहुत एग्जाम्पल हैं। इस बार भी 35 बच्चे हुए ना, मायने ये है कि आप पढ़ के क्या आ रहे हो, लिख के क्या आ रहे हो, ये मायने रखता है। ऐसे किसी ने अंटू पंटू को उठाकर वो अधिकारी बना देगा? आप लिख के नहीं आओगे तो ऐसे ही बना देगा क्या?
कोई मजाक समझ रखा है क्या आपने? और आप देखिए व्यवहारिक दर्द, उनकी कापियां निकाल के देखिए, आप नहीं देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप में उनमें क्या अंतर है। कोई हिंदी इंग्लिश मीडियम नहीं होता है, हिंदी मीडियम का बच्चा सिर्फ और सिर्फ फल की इच्छा करता है, कर्म पे काम नहीं करता है। बस अधिकारी बन जाऊं ये हो जाएगा, अधिकारी बन जाऊं वो हो जाएगा, फैंटेसी दीवा स्वप्न का सरकार दिमाग में बस यही रहता है, दिन में सपने देखता है। कलाम साहब ने जरूर कह दिया है कि सपने जो है हमें सोने नहीं देते, तो ऐसे भी सपने नहीं कि पता चला वो, ठीक है, उनका मीनिंग समझिए, अर्थ समझिए। आपको आप मेहनत पे, अपने संघर्ष पे, अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। कोई कर्तव्य नहीं करता, कोई बिना सिलेबस पढ़े एग्जाम नहीं देता, सिलेबस ख़त्म करने में टाइम लग जाता है, ईमानदार नहीं होता, आंसर राइटिंग पे काम नहीं करता, प्रॉपर जो एक स्ट्रेटजी है उसे क्रिएट करके नहीं चलता, और बाद में दोषारोपण आयोग को देता है, बाद में डिमोटिवेट होकर बैठ जाता है। अच्छा चलो, यूपी मीडिया UPPCS उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्टूडेंट हो आप लोग, अधिकांश लोग CBSE से। कौन कौन है यहाँ पे हैं CBSE वाले? 1, 2, 3, 4। यूपी वाले मैक्सिमम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड। मैं आपको एक बहुत बेसिक डिफरेंस बताऊं, हमें हाई स्कूल इंटर में एग्जाम के लिए भी कोई स्ट्रेटजी नहीं सिखाई गई। CBSE का बच्चा हाई स्कूल इंटर में भी पूरी स्ट्रेटजी से एग्जाम देता है, वहां पे उसे स्ट्रेटजी सिखाई जाती है, ग्रेजुएशन में भी स्ट्रेटजी से एग्जाम देता है प्रॉपर। यूपी बोर्ड का बच्चा तो कुछ नहीं, मास्टर विद्या क्वेश्चन, जय हिंद जय भारत, ऐसे करके किताब लिख के ऐसे करके पढ़ के चलाता है। तो अब उसको फील, ये चीज समझिए, इसको समझिए आप। आप किसी आयोग को किसी उसमें मोटिवेट डिमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है आपको। फाइनली समझिए, आपने बिना स्ट्रेटजी के हाई स्कूल इंटर पास किया है, आप ग्रेजुएशन भी ऐसे तैसे करके कर रहे हैं। ज़्यादातर आपको जो बच्चे मिल रहे हैं हाई स्कूल, ये जो ग्रेजुएट करने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसी यूनिवर्सिटियों से पढ़ रहे हैं जहाँ स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है। ग्रेजुएशन कितना बढ़िया कर लिया पता चल रहा है आपका। तो भैया ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, इसकी एक वैल्यू है, प्रॉपर वैल्यू है, एक स्ट्रेटजी है, बहुत बड़ी संख्या एग्जाम दे रही है। हिंदी मीडियम का विभेद करना बंद कीजिए, अपने दिमाग से ये गंदगी निकालिए। कुछ लोग हैं जो आकर के नेताबाजी करने चालू कर देते हैं, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, कमियां निकालना जिंदगी भर सीखा, आज भी कर रहे हैं वही काम। प्रॉपर मेहनत कीजिए, रणनीति से कीजिए, पूरी तैयारी कीजिए, बहानेबाजी बंद कीजिए। 50 काम आपको और होते हैं तैयारी के दौरान। मेहनत करेंगे रिजल्ट आएंगे, मेहनत करने में रिजल्ट खूब आए हैं, टॉपर में भी रिजल्ट आए हैं, हर साल आते हैं, वो बच्चे निकल रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम, वो कैसे हो गए? एक ही हुआ हो, मान लो चाल लो एक ही हुआ हो, लेकिन हुआ तो एक भी नहीं होना चाहिए ऐसे में, तो यदि आयोग भेदभाव कर रहा है। तो थोड़ी सी भी इंग्लिश सीखनी नहीं है, इतना रिजिड पेन है आप लोगों के अंदर। इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी सीखने को तैयार है, आप लोग इंग्लिश सीखने के लिए बिल्कुल पागल बने बैठे हैं कि हम नहीं सीख सकते, जो भी करना हो कर लो। तो भैया बहुत बड़ी बात है, UPSC में जो आप जा रहे हो छोटी मोटी घटना नहीं है आपकी ज़िंदगी की और देश के लिए। तो वहाँ पर योग्य लोगों को ही लिया जाना चाहिए, जो योग्य हो आयोग उसको ही भरे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये जो प्रोपगेंडाबाज हैं, जो प्रोपगेंडा फैलाते हैं, फैलाने दो, इनका काम ही यही है। मैं चूंकि अनुभवी हूं, मुझे 1-1.5 लाख बच्चे कम से कम पढ़ाने का अनुभव हो चुका अभी तक, मुझे पता कितना कंटिन्यूस रहते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे, कोई रेगुलर नहीं रहता, सब वही है, अनियंत्रित, आज अपने मन से आ रहे हैं, कल चले गए, कल वो हो गया, वो हो गया, 50 बहाने हैं, कभी कोई मैगजीन कंटिन्यूअस नहीं, करंट अफेयर से कोई बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं, बता दिया जब, बस उनको चाहिए कि बस छपवाए रहो, लिखवाए रहो, 4-50 नोट दे दो, 15-20 किताबें बता दो, बस वही का घर पर लाइब्रेरी बना के डेली पूजा पाठ करके बस हो गया काम। 5-10 दिन बाद डिमोटिवेट हो जाना, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी कभी करी किया ही नहीं, कोई फॉलो ही नहीं, कभी नहीं किया, बचपन से अभी तक नहीं किया, तो अब कैसे अचानक रातों रात चमत्कार हो जाएगा? बचपन से आज तक आप सिर्फ दिनचर्या बना के फाड़ते चले आए हो, बस कभी फॉलो किया आपने, कभी स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई की? अब भी नहीं कर रहे हो, अभी भी वही काल है, 4 दिन पढ़ते हो, 4 दिन बाद फिर ये होता है, चलो आज मूवी देख ले, आज ये कर ले, आज वो कर ले, दुनिया भर के फांसों में फंसे हो, घर वालों की समस्या और सर पे लिए बैठे हो कि जैसे आप ही को कमा के अभी देना है। इमोशनल मैनेजमेंट हिंदी में इंग्लिश मीडियम को अच्छा साफ मना कर देता है, पहले पढ़ाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होता है इस मामले में, ये जो इमोशनल मैनेजमेंट है ना इसे सीख लो, और दुनिया भर के प्रोपेगेंडा में मत पढ़ो, साफ बता दूं मैं। मेहनत करो, मेहनत का ही रिजल्ट आता है, हमेशा मेहनत के ही रिजल्ट आए हैं,
क्योंकि इस समय बहुत में मेरे खुद सर दर्द हो गया है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम डेली फोन आएंगे सर ये हो गया। अरे भैया अभी आपसे पूछ लूँगा ना नोट्स दे दो पूरे, उसमें भी आपकी हालत पसीने छोड़ दोगे, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी मेहनत करता है हिंदी इंग्लिश मीडियम का बच्चा। सिनॉप्सिस बोल चुका मैं, नोट्स बनाने की पूरे तरीके बता चुका, कितने बनाए मुझे पता चल गया, दो कर रहे हैं बस काम, बाकी सब बस वही हो जाएगा। अरे ठीक है, ये जो अनसीरियसनेस है ना जिंदगी में, इसको ख़त्म करो तब रिजल्ट आने शुरू होंगे, तब जा करके आप बनोगे, और नहीं तो बस वही है बहानेबाजी करते रहो, कल बीमार हो जाओ परसों बीमार हो जाओ, कोई ना कोई संकट घर पे आता रहेगा, वो सबके साथ बना रहेगा, आपके साथ जिंदगी भर बना रहेगा। तो बहानेबाजी करने की आदत छोड़ दो, और नहीं तो जिंदगी भर दोषारोपण देते रहोगे, आयोगों को दोषारोपण दोगे अपने ऊपर, उंगली उधर मत करो इधर करो, इधर गलती है सारी की सारी गलती इधर है, इसको सुधार करो, इसको डेडिकेट करो, तब ठीक रहेगा।